वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में। कोरोना वायरस की दो वैक्सीन अभी तक अप्रूव हो चुकी हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और इंडिया में जो ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तीन कंपनीज के ट्रायल चल रहे हैं इंडिया में, और कौन सी कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो इंडिया में सबसे पहले आएगी और सबसे पहले बिकेगी उसके बारे में बात करेंगे, उसका प्राइस क्या होगा। तो शुरू करते हैं। तो अगस्त 11 को रशिया ने अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च कर दी, व्लादिमीर पुतिन ने इसको लॉन्च किया। तो इसके साथ ही रशिया जो है वो पहली कंट्री बन गई है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन की अप्रूवल दे दी है फॉर सिविलियन यूज। वैक्सीन लॉन्च करने पे यह भी बताया गया कि जो वैक्सीन है ये सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन की बेटी को इसकी डोज दी गई है। व्लादिमीर पुतिन की दो बेटियां हैं, बट ये नहीं बताया कि कौन सी बेटी को इसकी डोज दी गई है। और ये वैक्सीन जो है रशिया में ही डेवलप हुई है। तो रशिया का गमेलिया इंस्टीट्यूट है जिसने रशियन मिलिट्री के साथ कोलैबोरेट करके इस वैक्सीन को बनाया है। इस वैक्सीन का जो नाम है वो दिया गया है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 1 रशिया का ये एक सैटेलाइट था, वर्ल्ड का सबसे पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था। तो स्पुतनिक नाम देने का मोटिव यही है कि ये बताना चाहते हैं सारे वर्ल्ड को कि जैसे इन्होंने स्पुतनिक 1 बनाया था आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट बाकी सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ के, वैसे ही इन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो सबसे पहले बनाई है, बाकी सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। जो इनकी वैक्सीन है ये बेस्ड है DNA ऑफ SARS-CoV-2 टाइप एडेनो वायरस कॉमन कोल्ड वायरस। तो ये वैक्सीन जो है वो बनाई गई है कोरोना वायरस के वीकेंड फॉर्म से बनाई गई है। जो वीक कोरोना वायरस है उसे इंजेक्ट करते हैं बॉडी में जिससे स्टिमुलेट होता है इम्यून सिस्टम और एंटीजन जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये काम कैसे करती है वैक्सीन, इसमें सबसे पहले वीक या डेड जो वायरस है उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो एक वीक या डेड वायरस को इंजेक्ट करने पे बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और वीक वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप कर देता है। जो एक बार एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी में रह जाती हैं। तो उसके बाद अगर कभी भी कोरोना वायरस का अटैक होता है तो बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता रखती हैं, जो कोरोना वायरस से लड़ती हैं और उसे ख़त्म कर देती हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वीक कोरोना वायरस जो है ये बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिससे इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, और ये रेड वाली जो है ये एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं बॉडी में, और उसके बाद अगर कभी भी कोरोना वायरस का अटैक होता है तो वो एक शील्ड की तरह काम करती हैं। तो रशिया के कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने के बाद WHO की स्टेटमेंट आई है। WHO कहता है कि रशिया जो है वो इतनी एडवांस स्टेज में था ही नहीं कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो लॉन्च कर सके। तो रशिया ने भी ऐसा कोई भी डेटा रिलीज नहीं किया जिसमें उन्होंने बताया हो कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल जो है, ह्यूमन ट्रायल जो है वो कब कंप्लीट किए हैं और कितने लोगों पर ये ट्रायल किया गया है उसकी रिपोर्ट क्या है। तो ना ही रशिया ने इसका डेटा रिलीज किया है, ना ही WHO के पास इसका डेटा है कि कितने लोगों पे इसका ट्रायल हुआ है, ये सेफ है या नहीं है। तो इसकी सेफ्टी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज कह रही हैं कि रशिया की जो वैक्सीन है वो सेफ नहीं है, वो बहुत बड़ा रिस्क है। तो WHO कहता है कि मेरे पास 9 कैंडिडेट्स हैं जो कोरोना वायरस वैक्सीन बना रहे हैं जो बहुत एडवांस स्टेज में है, जो फेज 2 या फेज 3 में है। तो उनमें से रशिया था ही नहीं, तो रशिया ने कैसे ये अपनी जो वैक्सीन है वो लॉन्च कर दी। तो सेफ्टी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन है। पहले तो इन्होंने ये बताया ही नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं या नहीं हुए। तो ऐसा लग रहा है कि ये वैक्सीन अप्रूव की गई है बिफोर क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर बिफोर क्लिनिकल ट्रायल्स इसे अप्रूव कर दिया गया है तो एक बहुत बड़ा रिस्क है सिटीजन्स पे, जो भी इसकी डोज लेंगे तो उनको एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसका क्लिनिकल ट्रायल में ही पता चलता है कि कौन कौन से साइड इफेक्ट आते हैं बॉडी पे। जो वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं उनको जनरली 3 से 10 साल लगते हैं, बट रशिया ने 2 महीने पहले ही बताया था और उसके 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने मेडिसिन जो है वो लॉन्च कर दी। तो ये बहुत ही कम टाइम है। अगर ये कहें भी कि इन्होंने ट्रायल्स खत्म कर लिए तो 2 महीने का टाइम बहुत ही कम होता है साइड इफेक्ट देखने के लिए। तो जैसे WHO ने कहा है कि रशिया जो है वो 9 एडवांस कैंडिडेट्स में था ही नहीं,
जो कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, प्रिफिजर, तो इन सबको पीछे छोड़ के रशिया ने अपनी जो वैक्सीन है वो लॉन्च भी कर दी। इन जनरल सिचुएशन एक वैक्सीन को बनने में 10 से 15 साल लगते हैं, जिसमें पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है, देन उसके बाद FDA अप्रूवल होती है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। तो जैसे रशिया की वैक्सीन इतने कम समय में आ गई है, तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइमलाइन को फॉलो ही नहीं किया गया। इस टाइमलाइन को लग रहा है कि ऐसे फॉलो किया गया है कि जब भी क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुए हैं तब भी अप्रूवल का काम है वो शुरू हो गया है, साथ साथ में अप्रूवल का काम हो रहा है, साथ साथ में ट्रायल हो रहे हैं, और ट्रायल के बीच में इसको अप्रूवल भी दे दी गई है, और अप्रूवल देने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो चुकी है। रशिया की जो वैक्सीन है Sputnik 5, उसकी रैपिड मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो चुकी है। तो ये कह रहे हैं कि बाय एंड ऑफ अगस्त ये वैक्सीन जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो स्पुतनिक 5 का जो फेज था वो कैसे चला है, तो रशिया ने 2 महीने पहले ही बताया था कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप हो रही है उसका फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल खत्म हो चुका है और वो सक्सेसफुल रहा है। जो इसका फेज 1 था वो शुरू हुआ था June 17 को, तो जिसमें इन्होंने सारे ही मिलिट्री के लोगों पे ये अप्लाई किया था। इस रिपोर्ट को अगर देखें तो फेज 2 का जो ट्रायल है ये इनका शुरू हुआ है जुलाई 13 को। अगर इनका फेज 2 शुरू हुआ है तो इन्होंने अगस्त 11 को ही जो मेडिसिन है वो लॉन्च कर दी है। जुलाई 13 से अगर अगस्त 11 देखें तो एक महीना भी कंप्लीट नहीं होता। तो जुलाई 13 से अगस्त 11 तक इन्होंने कैसे जो दो फेज हैं वो कंप्लीट कैसे कर दिए, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये मेडिसिन जो है इसका ट्रायल हुआ ही नहीं है, फेज 2 और फेज 3 दोनों करने बाकी हैं अभी। बट ये करने से पहले इन्होंने जो मेडिसिन है वो लॉन्च कर दी है फॉर सिविलियन यूज। जो इनकी रिपोर्ट है इन्होंने कहा है कि हमने 3 अगस्त को ही सारे ट्रायल जो है कंप्लीट कर दिए हैं। जुलाई 13 से अगस्त 3 तक जो है वो 20 दिन बनते हैं, तो 20 दिन में ही इन्होंने फेज 2 और फेज 3 कैसे कंप्लीट कर दिए, तो इसपे बहुत बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं। जो WHO की लिस्ट है उसमें 6 कैंडिडेट्स हैं जो फेज 3 में एंटर हो चुके हैं। एक तो AstraZeneca है, सिनोवैक है, वुहान इंस्टीट्यूट है, बीजिंग इंस्टीट्यूट है, मॉडर्ना है। जैसे ऑक्सफोर्ड AstraZeneca की जो मेडिसिन है इसका फेज 3 हो रहा है, तो इसका ऑलरेडी बताया होता है कि फेज 3 कितना टाइम तक चलेगा। तो इनकी जो एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट है वो है September 2021 या October 2021, तो इनको एक साल से ज्यादा लगेगा फेज 3 कंप्लीट करने में। वैसे ही मॉडर्ना है, तो मॉडर्ना की भी जो फेज 3 की टाइमलाइन है वो है April 16, 2021 और फाइनल कंप्लीशन है November 11, 2022। तो ये ऑलमोस्ट साल या 2 साल लगेंगे फेज 3 कंप्लीट होने में। बट रशिया ने अपने जो ट्रायल्स हैं वो 20 दिन से पहले ही खत्म कर लिए, तो इसीलिए रशिया की जो वैक्सीन है उस पर बिलीव नहीं किया जा रहा। अगर रशिया की वैक्सीन को इंडिया में लॉन्च करना हो तो इंडियन गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को अगर अप्रूवल देनी है तो उनके पास पूरा डेटा होना चाहिए, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सेफ्टी एंड एफिकेसी डेटा जो है वो मांग रहे हैं रशिया से कि हमें ये डेटा प्रोवाइड किया जाए, तभी हम इसकी अप्रूवल जो है वो इंडिया में देंगे। बट सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी कंट्रीज विलिंग है कि रशिया की जो वैक्सीन है हम अपनी कंट्री में अप्रूवल दे देंगे। तो रिपोर्ट के हिसाब से 20 से ज्यादा कंट्रीज ने रशिया की वैक्सीन की जो है वो प्री बुकिंग करा दी है। तो इंडिया में अगर देखेंगे इंडिया में कौन सी वैक्सीन पहले आएगी, तो ये रशिया की वैक्सीन 11 अगस्त को लॉन्च हुई थी, बट 15 अगस्त की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमारे इंडिया में 3 ही कैंडिडेट्स हैं जो ट्रायल कर रहे हैं और इनके ट्रायल खत्म होने पे अगर साइंटिस्ट के ग्रीन सिग्नल होंगे तब हम इसकी प्रोडक्शन करेंगे और मेडिसिन लॉन्च करेंगे। तो वो 3 कैंडिडेट कौन कौन से हैं, पहला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो ऑक्सफोर्ड और AstraZeneca के साथ मिलकर मेडिसिन बना रहा है। फिर है भारत बायोटेक जो है वो कोवैक्सीन बना रहा है, इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है कोवैक्सीन जो पहले फेज में चल रही है, फेज 1 में है। और थर्ड जो कैंडिडेट है वो है जाइडस कडिला। तो ऐसा लग रहा है कि इन तीनों में से किसी की वैक्सीन जो है वो इंडिया में लॉन्च होगी। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना दिया है जो पूरी वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। जो भी वैक्सीन इंडिया में आनी है उसका प्राइस भी यही डिसाइड करेगा नेगोशिएट करके कंपनीज के साथ, और कैसे अवेलेबल करानी है वैक्सीन वो भी यही ग्रुप जो है वो डिसाइड करेगा। तो जो एक्सपर्ट ग्रुप है ये इन 4 कैंडिडेट्स को देख रहा है ज्यादा। पहला ऑक्सफोर्ड AstraZeneca है जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ है टाई अप, देन मॉडर्ना है, ये दोनों जो है ये फेज 3 में चल रही है, फिर जाइडस कडिला है और भारत बायोटेक है। तो इन 4 कैंडिडेट्स पे ज्यादा फोकस है ग्रुप का। इस ग्रुप ने अपनी मीटिंग्स करनी शुरू कर दी हैं और यही डिसाइड करेगा कैसे प्रोक्योरमेंट और प्राइसिंग कैसे रखनी है वैक्सीन की। तो जो एक्सपर्ट ग्रुप है इनके हेड हैं VK पॉल हैं जो नीति आयोग के मेंबर हैं।
देन यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी हैं। तो इस ग्रुप ने अपनी जो दूसरी मीटिंग हुई है उसमें पांच जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बुलाया था और पांच मैन्युफैक्चरर्स के साथ इन्होंने प्राइसिंग और प्रोक्योरमेंट का डिस्कशन किया। इन पांच में है जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेंका के साथ मिलकर काम कर रहा है, देन भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन बना रहा है, जाइडस कैडिला है जो फेज टू में चल रहा है अभी, देन जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल पुणे है और बायोलॉजिकल ई हैदराबाद है। इन दोनों ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया था कि ये भी ट्रायल करना चाहते हैं। इन दोनों में से एक जॉनसन एंड जॉनसन के साथ काम करेगा और दूसरा मॉडर्ना के साथ काम करेगा। तो जैसे रशिया ने अपनी वैक्सीन लॉन्च कर दी है, वैसे पूरे वर्ल्ड में ये रेस लग गई है कि हम भी अपनी वैक्सीन लॉन्च कर दें। तो जितने भी कैंडिडेट्स रिसर्च कर रहे हैं, हर कोई चाहता है कि हम प्रॉफिट कमाएं, हम पहले अपनी मेडिसिन लेके आएं। तो इस रेस में 165 कैंडिडेट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं और वैक्सीन की डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनमें से 19 जो हैं वो फेज वन में हैं, 12 जो हैं फेज टू में हैं और 8 जो हैं फेज थ्री में हैं, और दो को अप्रूवल मिल चुकी है। दो में से एक है जो रशिया की वैक्सीन है और दूसरा है जो चाइना की वैक्सीन है। चाइना ने अपनी वैक्सीन को अप्रूवल दी है फॉर मिलिट्री यूज। चाइना ने रशिया से भी पहले ये वैक्सीन बना दी थी, बट इसको मिलिट्री यूज के लिए ही इसकी अप्रूवल मिली है अभी। ये जो वैक्सीन है चाइना वाली, ये बनाई है कैनसिनो कंपनी ने। प्रॉफिट कमाने की रेस इतनी बढ़ चुकी है कि चाइना में जो डेवलप हुई थी वैक्सीन उसको इन्होंने पेटेंट करवा दिया है। तो पेटेंट करवाने से क्या होगा, अगर इनकी टेक्नोलॉजी कोई भी यूज करेगा तो उनको चाइना को रॉयल्टी देनी होगी। तो ये प्रॉफिट कमाने की एक रेस चल रही है। जितनी भी बड़ी कंपनीज जो पैसा लगा रही हैं कोरोना वायरस वैक्सीन की डेवलपमेंट पे, तो उनका मेन मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है इस वैक्सीन से अर्न किया जाए। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, चैनल लर्न बेटर, उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।